नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोल। एक त्योहार नाम रक्षाबंधन जो अभी कुछ दिनों में आने भी वाला है, यकीनन इस वीडियो को देखने वाले 70-80% लोग उस त्योहार को मनाएंगे भी। क्यों? लड़के कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, और लड़कियां इसलिए मनाएंगी कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। लड़की या बहन अपने भाई को इसीलिए राखी पहनाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि क्या ये त्योहार कोई सेंस रखता है या नहीं, और अगर कोई सेंस नहीं रखता है तो क्या इसका कोई नुकसान है या नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको आपकी उसी बहन की कसम जिससे आप राखी बंधवाने वाले, प्लीज इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो की ये बातें मैं आपको धर्म या धर्म के इतिहास को लेकर के नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्रेजेंट के और फ्यूचर के इम्प्लीमेंटेशन पे और रिजल्ट पे बात करूंगा। मैं आपको 3 मुख्य कारण बताऊंगा कि क्यों रक्षाबंधन त्योहार बेकार है या नहीं मनाना चाहिए। अगर इस त्योहार के हम बेसिक की बात करें तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि एक बहन हर साल अपने भाई को राखी बांधती है ये सोचकर कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा। इसी के साथ में भाई लोग अपनी बहन को 100-200-500 रुपए देते हैं, खाना पीना मिठाई वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। अब सबसे पहले अगर हम इस त्योहार के एग्जिस्टेंस की बात करें तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। और वो कैसे है, आप साधारण सी बात समझिए। आप सोच के देखिए कि जो बहन है वो उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज में पढ़ती है, और जो भाई है वो मुंबई के किसी कॉलेज में पढ़ता है, और बहन के ऊपर अगर कोई आपदा आती है तो क्या उसका भाई उसकी मदद कर सकता है उस समय पर? नहीं कर सकता। तो इसकी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बाद में तो करेगा, जब उसके साथ में पहुंचेगा, जब उसके पास में पहुंचेगा। तो उसी बात पर मैं ये कहूंगा, अगर वो राखी नहीं बांधेगी तो क्या तुम तब उसकी मदद नहीं करोगे, इसके बावजूद कि वो आपकी बहन है? करोगे ना। तो फिर ऐसी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि अरे चलो फॉर्मेलिटी चल भी रही है तो नुकसान क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि नुकसान क्या है। अगर इसके नुकसान के बारे में मैं पहले पॉइंट में आपको कुछ बताऊं तो वो मैं जातिगत आधार पर बताऊंगा, और वो इसीलिए क्योंकि इस देश में ये जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो इसीलिए मैं इस चीज को ऐड कर रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत सारे बहुजन मूल निवासी लोग देख रहे होंगे। बहुजन से एक और निचला शब्द दलित। अब ये है क्या कि जो स्वर्ण और जो दलित है उनमें 2 कैटेगरीज है। अब इस देश के अंदर में जो मैक्सिमम नंबर जो संख्या है वो है बहुजन समाज के लोगों की, यानी कि 85% संख्या है। अब एक बिना आधार का कोई त्योहार जब लोग मनाते हैं, वो 85% लोग मनाते हैं, तब उसमें राखी बिकती है, मिठाइयाँ बिकती हैं, साड़ियाँ बिकती हैं, वह और कुछ अन्य चीज़ें जो है वो बेची जाती हैं। अब उनको बेचने वाले जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो होते हैं जनरल कैटेगरी के, जिनको हम कह सकते हैं बनिया। तो जो बनिया लोग होते हैं इनमें ज़्यादातर दुकानें उन्हीं लोगों की होती हैं, और खरीदने वाले कौन होते हैं, ये बहुजन समाज के मूल निवासी लोग। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या इस देश में 85% है। तो एक बिना आधार का त्योहार को मनाने के लिए बहुजन समाज के मूल निवासी समाज के लोग साड़ी में, मिठाइयों में, खाने पीने में, राखी में, और बहुत सारी शराब और बहुत सारी चीज़ें होती है, इन चीज़ों में अपना पैसा व्यर्थ करते हैं। और उन जर्नल वर्ग को, जिसको शायद वो अपना थोड़ा सा दुश्मन भी मानते हैं, उनको और मजबूत बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम पे अत्याचार हो रहा है। साहब, आप उन लोगों को तैयार कर रहे हो अपने ऊपर अत्याचार करने के लिए। अगर मैं इस रक्षाबंधन त्योहार के नुकसान के दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये बात मैं न धर्म, न जाति, न किसी चीज़ को लेकर के बात करूंगा, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन और सामाजिक बात करूंगा। रक्षाबंधन जैसा त्यौहार हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें मिठाइयाँ वगैरह इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत नुकसान होता हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई काम है उसके फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है। अगर नुकसान ज़्यादा है तो हमको इमिडिएटली उस काम को रोक देना चाहिए। और वो नुकसान जो बहुत बड़ा नुकसान है वो क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। रक्षाबंधन त्योहार महिलाओं को कमजोर करने वाला एक मुख्य त्योहार है।
मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस देश में जो रेप और बलात्कार के मामले ज्यादा बढ़ते हैं, उनका एक कारण ये रक्षाबंधन त्योहार भी है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि इस देश में रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं के बढ़ने का एक मुख्य कारण ये रक्षाबंधन त्योहार है। और वो ऐसे है कि हम हर साल अपने घरों में अपनी बहनों से एक महिला प्रजाति को, एक लड़की को हर साल ये बताते हैं इस त्योहार के माध्यम से कि तुम कमजोर हो और तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक मर्द की जरूरत है, किसी पिता की जरूरत है या किसी भाई की जरूरत है। हर साल हम ये उस महिला को, उस लड़की को बताते हैं और ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इसलिए उस लड़की के दिमाग में ये एक्सेप्टेंस भी आ जाती है कि हाँ, पूरा देश अगर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है तो यकीनन हम कमजोर होंगे। और जब रेप या बलात्कार जैसी घटनाएं या वारदात घटित होती है तो उस समय उस लड़की का मनोबल कमजोर होता है। जब मनोबल कमजोर होता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया ऑटोमेटिकली ही कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो ना उस लड़के का विरोध कर पाती है और ना ही अपना बचाव कर पाती है। इस बात के साथ में बहुत सारे लोग हो सकता है चीपटाक करें, उनको समझ में ना आई हो, लेकिन इस बात को इस चीज के साथ समझिए। अब देखिए, मेरा नाम प्रशांत बोध है। अब मेरी ये बॉडी है, मेरी बॉडी थोड़ी स्लिम है, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मेरे सिक्स एब्स नहीं है, आई एम स्लिम एंड फिट बॉय। अब क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई फिट बॉडी होता है। अब इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं कॉलेज में जाता हूँ या कहीं चार आठ लोगों के बीच में जाता हूँ और वहाँ पर सारे लोग फिट एंड फाइन मिले, जिनके बॉडी हो, सिक्स एब्स हो, और वो मुझे मेरे शरीर को लेकर के क्रिटिसाइज करें, तब वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। मान लीजिए एक ऑफिस में मैं काम करता हूँ और वहां ऑफिस में मुझे मेरी बॉडी को लेकर के क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मुझको दिखाया जा रहा है, मुझको बताया जा रहा है बार बार कि तू, अरे तेरी अगर बॉडी वीक है, तेरी बॉडी अगर मतलब फिट नहीं है, तेरे सिक्स एब्स नहीं है, तो तू कुछ नहीं है, यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसी बातों को सुन करके मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होगा, जो मेरा मनोबल है वो गिर जाएगा, और मेरा मनोबल गिरने के बाद में, मेरा कॉन्फिडेंस लूज होने के बाद में, जो मेरे काम में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी या पहले होती, वो अब नहीं होगी। मेरा मन वहां पर नहीं लगेगा या मेरे बॉडी में उतना एनर्जी नहीं रहेगी जो एनर्जी शायद मेरे बॉडी में पहले थी। तो क्रिटिसिज्म का ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जैसा कि हम कहते भी हैं या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बॉडी शेमिंग को लेकर के एक्ट भी बनाए हुए हैं, तो वही चीज हम अपनी बहनों के साथ में हर साल करते हैं, उनको कमजोर बनाते हैं ये बताकर कि तुम कमजोर हो और अगर तुम कभी भी किसी समस्या में होगी तो उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ले मेरा हाथ और राखी बांध, मैं तेरी मदद करूंगा। तू खुद नहीं कर सकती अपनी मदद, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन अगर साइंटिफिकली इन बॉडीज में डिफरेंसेस देखे जाएं, एक मैन में, एक वुमेन में, तो कोई पावर को लेकर के कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिल सकता। मिलिट्री के अंदर में आदमी भी होते हैं और औरत भी होती है, तो औरत भी उतनी ही मजबूत होती है जितना है कि एक वो इंसान, वो एक लड़का होता है। तो जब वहां पर उन लड़के और लड़कियों में डिफरेंस नहीं है तो हम आम जिंदगी में क्यों? क्यों? क्योंकि हमने बनाया हुआ है कुछ गधे बेवकूफ लोगों के कहने पर। उन्होंने तो अपना धंधा पानी चलाने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन इसका नुकसान आज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आई कैन से दैट वी नीड टू स्टॉप दिस। अगर हम अपनी बहनों को सुरक्षित चाहते हैं, हमको जरूरत है उनको मोटिवेट करने की, उनको प्रोत्साहित करने की कि तुम पावरफुल हो, तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, तब वो कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी, तब वो अगर कोई किसी प्रॉब्लम में होंगी तो उसको सामना करेंगी, उससे लड़ेंगी और हो सकता है जीत के बाहर आ जाएं। लेकिन अगर हम उनका मनोबल गिरा के रखते हैं तो ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस देश के अंदर में से ये बलात्कार, रेप जैसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं, अपनी बहन को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे त्योहार को मनाना
बंद करना पड़ेगा। जो बातें मैंने अभी आपको बताई, इन बातों की गंभीरता को खुद महसूस कीजिए, क्योंकि बहन तुम्हारी भी है, बुआ तुम्हारी भी है। खुद महसूस कीजिए और निर्णय लीजिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन से होने वाले नुकसान की अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट फाइनेंशियल बेस पर होगा। और ये बात मैं आपको प्रगति करते रहने वाले इंसान के नजरिए से बताऊंगा, बिकॉज आई एम दैट पर्सन। सो कोई भी चीज, कोई भी काम अगर होता है, तो उसको करने के लिए हमारे पास में दो महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं कि करें या ना करें, और करें तो किस बेस पे करना चाहिए। हमारे देश के अंदर में मैं रक्षाबंधन त्योहार को ही ले लेता हूँ। अब ये त्योहार है, इसको मनाने के लिए खर्चे की अगर मैं बात करूँ, तो रक्षाबंधन पर आप सामान्य तौर पर मान सकते हैं कि 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा आराम से हो जाता है, साड़ी कपड़े में, खाने पीने में, मिठाई में, राखी में व कुछ अन्य चीजों में। और उस रक्षाबंधन से पहले एक और चीज आती है, जिसको कहते हैं हम सुंदारा भेजना या सुंदारा आना। अब भाई, हमारे यहाँ पर उस चीज को सुंदारा बोला जाता है, आपके यहाँ मुझे पता नहीं, जिसमें जो भाई है वो अपनी बहन के यहाँ पर 10 किलो या 15 किलो मिठाई भेजता है, बालूशाही या फिर वो पेठा की मिठाई वो पूरे मोहल्ले में बांटी जाती है, तो उसको हमारे यहाँ पर सुंदारा कहा जाता है। आप मुझे बताइए आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है। तो वो किया जाता है, तो उसमें भी आप मान लीजिए कि लगभग 2 से 5 हजार रुपये आराम से खर्च होते हैं उस मिठाई में, और कपड़े वगैरह जो देते हैं उसमें, और जो मिलाई दी जाती है उसमें। अब ये खर्चा है 10 हजार का इस त्योहार का। अब ये खर्चा करना चाहिए, मैं करूँ या ना करूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अब लेकिन इस देश में जो रीतियां हैं वो भेड़ चाल वाली रीत है। बहुत सारे लोग, मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम लोग इस देश के जो काम करते हैं, वो काम करते हैं अपने समाज को या लोगों को देखते हुए कि वो भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, या मुझे भी करना चाहिए, या मैं उससे कम थोड़ी हूं। किसी इंसान के घर में 2 वक्त की टाइम से रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस खर्चे को करेगा, चाहे वो किसी से उधार लेके या फिर किसी भी तरह से। क्यों? क्योंकि एक रीत बनी हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा समाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे धर्म के लोग कर रहे हैं। इस वजह से सिर्फ होड़ा होड़ में, देखा देख में, इस देश के बहुत सारे मध्यम वर्गीय गरीब लोग इस काम को करते हैं, अमीर लोगों से पैसा उधार लेकर या फिर अपनी जरूरत की चीजों में पैसा ना लगाकर इन फालतू चीजों में पैसा लगाते हैं, और जिसका परिणाम नील बटा सन्नाटा होता है, नील बटा सन्नाटा। लेकिन ऐसी चीजों में मैं आपको एक ओपन एडवाइस देना चाहूंगा, एक ओपन एडवाइस, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं हम तो मनाएंगे त्योहार, तो ठीक है आप मनाइए, लेकिन अगर आपके पास में है सिर्फ तभी ना। अगर आपके पास में कोई फ्यूचर इनकम प्लान है सिर्फ तभी ना। अब मेरे पास में 1 लाख रुपया कहीं से आ गया, और मैंने 1 लाख रुपए की KTM तो ले ली, लेकिन जब आगे वाले टाइम में उसमें तेल डलेगा, उसमें जो सर्विस होगी, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर मेरे पास आगे कोई प्लान नहीं है, तो मैं क्यों ऐसी जगह पर अपना वो पैसा वेस्ट करूं जिसकी शायद मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं हो सकता है प्लैटिना लेके काम चला सकता था, हो सकता है हीरो होंडा लेके काम चला सकता था। तो सेम एज इट इज, अगर रक्षाबंधन त्योहार, रक्षाबंधन जैसे त्योहार का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं जो बहुत बड़े नुकसान है, फाइनेंशियल नुकसान मैंने आपको बता दिया, सामाजिक नुकसान मैंने आपको बता दिया, और आपका जो पर्सनल नुकसान है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जब ऐसी त्योहार की कोई जरूरत नहीं है, व्हाई डू यू वेस्ट योर मनी इन दिस टाइप ऑफ फेस्टिवल? तो बस ये कुछ बातें थी जो इस त्योहार के बारे में मैं सोचता हूँ या समझता हूँ, और मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ में साझा करनी चाहिए। अगर आपको समझ में आए, अच्छी लगे, तो आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज ठीक है, आप अपनी बहन को कमजोर बनाइए। आप कभी उसके साथ में कोई प्रॉब्लम घटना घटित होगी, तो आप कोई बेंटेन या शक्तिमान तो है नहीं कि उसी टाइम पे आप पहुंच जाएंगे और उसकी हेल्प कर देंगे, तो उसे आप कमजोर बनाइए, घटना घटित होगी, होने दीजिए। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों और मेरी बातें आपको एक्चुअल में समझ में आई, तो भाई सबसे पहले तो आप इस चीज़ पर खुद अप्लाई कीजिए, अपनी बहन को ऐसे त्योहार मना करके उसको कमजोर ना करें। हमें जरूरत है उसका मनोबल बढ़ाने की, हम उसको उसके अंदर प्रोटीन ठूस ठूस के उसकी बॉडी नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर का जो जो थॉट प्रोसेस है या जो मनोबल है, अगर उसको हम बढ़ा दें, तो एक
पतले से पतला इंसान भी एक शरीर बड़े शरीर वाले इंसान को भी पीट सकता है अगर किसी इंसान के अंदर अग्रेशन हो। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, आप बहुत छोटे हैं, आप एक बच्चे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या खली से लड़ लोगे, क्या आप खली से फाइट करोगे, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, अरे नहीं पागल हो क्या, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन सोच के देखिए, वहीं पर खली आपकी बहन को या आपकी माँ को छेड़ता है और वो उसके साथ में कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो क्या आप उसी शरीर के साथ में लड़ने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका अग्रेशन बढ़ चुका होगा और हो यकीनन हो सकता है कि आप उस अग्रेशन में उसको कहीं पर भी मार दें जिसकी वजह से वो परास्त भी हो जाए। तो हमें अपनी बहनों का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अपने बहनों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस त्यौहार को मनाना नहीं बंद करना ज़रूरी है। और फाइनेंशियल बेनिफिट से और अपने अपने परिवार की जो जो पैसे की समस्या है उसको दूर करने के लिए ऐसे त्यौहार को मनाना बंद करना चाहिए। तो अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो खुद अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी एक अगले ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इन बातों को समझे हों तो।